और 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग आपको बता दें कि आज किसान और सरकारों के बीच आज बैठक होनी है और आज छठा दिन है किसानों के आंदोलन का। चौथे दौर की इस बातचीत को लेकर चंडीगढ़ में शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और किसान संगठनों के नेता बातचीत में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार एमएसपी पर कमेटी का प्रस्ताव दे सकती है। वहीं किसान प्रदर्शन के चलते हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 तारीख तक बढ़ा दिया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आज सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन और खापों के प्रतिनिधियों की महापंचायत होगी। जानकारी के मुताबिक इस महापंचायत में किसान आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं इससे पहले कल मुजफ्फरनगर में हुए भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में कई ऐलान किए गए। कल महापंचायत में 21 फरवरी को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर काम बंद कर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग यानी तीसरी ब्रेकिंग 10 बजे की। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उधर दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। तो बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। अगली ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। और इसी बीच खबर यह भी कि कमलनाथ के करीबी नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। उधर कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बयान देते हुए कहा, यदि ऐसी कोई बात होती है तो वो खुद इसकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ रहे हैं और पांचवी ब्रेकिंग, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करेंगे। उधर झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार होने के बाद 10 MLA पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली आ गए हैं, जबकि 2 विधायक आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। नए चेहरे को मौका न मिलने से नाराजगी की ये बात सामने आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं और अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। संदेश खाली कांड में बड़ा एक्शन लेते हुए दक्षिण बंगाल पुलिस के ADG का ट्रांसफर किया गया है। बारासात के DIG का तबादला किया गया है। संदेश खाली प्रकरण के बीच ही DIG सुमित कुमार की जगह IPS भास्कर मुखोपाध्याय लाए गए हैं। इन सब के बीच पुलिस ने TMC नेता शिबू हाजरा को संदेश खाली मामले में गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी अचानक वायनाड पहुंचे। इस दौरान वो वहां वन विभाग के चौकीदार दिवंगत VP पॉल के आवास पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें VP पॉल की जंगली हाथी के हमले में मौत हो गई थी। पॉल वन विभाग के एक इको टूरिज्म गाइड थे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। आज दोपहर 3 बजे प्रयागराज से फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी आज दोपहर वायनाड से यूपी के प्रयागराज वापस लौटेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज यात्रा में सपा MLC स्वामी प्रसाद शामिल हो सकते हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा के अमेठी या रायबरेली पहुंचने पर शामिल होंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। 48 लाख उम्मीदवारों के लिए यूपी कांस्टेबल परीक्षा में करीब 6 लाख उम्मीदवार अन्य राज्यों से शामिल हो रहे हैं। परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए यूपी पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले लोगों को अरेस्ट किया। 3 दिन में पुलिस अब तक 58 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और 10 बजे की आखिरी और 10वीं ब्रेकिंग, श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। सैटेलाइट GSLV-F14 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया। इनसेट 3DS सैटेलाइट तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का मिशन है। इस सैटेलाइट से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे आपदा में राहत और बचाव कार्यों में मदद मिलेगी।